हाय गाइस, दिस इज हर्षिता। गाइस, जो हमारा पहले वाला ट्यूटोरियल था ऊबर के ऊपर, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हम ऊबर यूज़ करके अपनी राइड बुक कर सकते हैं। पर गाइस, प्रॉब्लम क्या आ रही कि कहीं बार क्या होता है कि या तो हमें अपना ड्राइवर ही नहीं मिल पाता, या अगर ड्राइवर मिल जाता है तो वो बोलता है कि जिस लोकेशन पर आप जाना चाहते हैं उसमें मैं नहीं जाऊँगा। फिर बोलता है कि ठीक है, आप तो ट्रिप कैंसिल कर दो, या कहीं बार वो खुद ही ट्रिप कैंसिल कर देता है। पर गाइस, फिर क्या होता है कि जो कैंसिलेशन फीस है, हमारी गलती ना होते हुए भी हमको पे करनी पड़ जाती है। तो गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग उस कैंसिलेशन फीस को रिकवर कर सकते हैं। तो गाइस, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं अपनी ऊबर एप्लीकेशन को ओपन करूँगी। गाइस, मैंने अपनी ऊबर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब आपको मेनू पे जाना है, तो उसके लिए आपके पास टू चॉइस है। सबसे पहले या तो आपके जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वहाँ पे आपको मेनू का ऑप्शन मिल जाएगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मेनू का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आपका टॉप पैक का फोकस वहाँ ना जा पाए तो आप डबल फिंगर से लेफ्ट से राइट की ओर स्वाइप कर सकते हैं। आई रिपीट, आप डबल फिंगर से लेफ्ट से राइट की ओर स्वाइप करेंगे तो आपको आपको मेनू खुल जाएगा। मैं खोल करके बताती हूँ। मेन्यू, तो गाइस इसने मेनू खोल दिया। अब हम लोग स्वाइप करेंगे लेफ्ट से राइट की ओर और हम चेक करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। हर्षिता मेहानो, अनलेबल्ड बटन, 4.8, डू मोर विद योर अकाउंट, गेट फूड डिलीवरी, मेक मनी ड्राइविंग, योर ट्रिप्स। इसने बोला योर ट्रिप्स। हमको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है, योर ट्रिप्स पे। चलिए मैं डबल टैप कर रही हूँ। गाइस, इसमें वो सारी ट्रिप्स दिखाएगा जो कि आपने ऊबर के साथ अभी रिसेंटली की है। और गाइस, कैंसिल ट्रिप या कंप्लीट ट्रिप जो भी आपकी है सब यहाँ पे ही शो करेगा। तो गाइस, हम चेक करते हैं लेफ्ट से राइट की ओर स्वाइप करके। योर ट्रिप्स, बैक बटन, सिलेक्टेड पास्ट, अपकमिंग Thursday at 4 p.m. 15 rupees Hero Splendor Jor cash cancelled in list 11 items. इसने पहले बाइक का नाम बताया, कितना कैश था वो बताया, कि और जो ट्रिप है वो कैंसिल्ड है वो बताया। तो चलिए गाइस, इस पे ये जो मेरी ट्रिप है ये कैंसिल है, तो अब मैं इस पे डबल टैप करती हूँ। इसमें मुझे कैंसिलेशन फीस भी चार्ज हुई है, तो अब इसको रिकवर करके देखते हैं। मैं इस पे डबल टैप करूँगी। तो गाइस, स्टार्टिंग के अंदर ही आपको पिकअप पॉइंट और ये सब बताएगा, तो मैं फटाफट लेफ्ट से राइट की ओर स्वाइप करती जाऊंगी और आपको एक एक चीज बताती जाऊंगी। बैक बटन, थर्सडे एट 4 पीएम, 15 रुपए, हीरो स्प्लेंडर कैश कैंसल्ड, 25, 48, गोविंद मार्ग, ड्राइवर फोटो, यू राइड विद बत्तीला। इसने मेरा पिकअप पॉइंट और ये सब बताया, अब ये बोल रहा है योर ड्राइवर फोटो और ये सब, तो हम फटाफट लेफ्ट से राइट की ओर स्वाइप कर देते हैं। Help tap button. Help. अब help से वापस लेफ्ट से राइट की ओर मैं स्वाइप कर रही हूँ। Receive tap button. Review my cancellation fee in list 7 items. Review my cancellation fees. मतलब मेरी जो cancellation fees आपने चार्ज की है उसको आप वापस review करें, मतलब वापस उसको चेक करें कि क्या वो ठीक थी। तो review करने के लिए हम request करेंगे। मैं इस पर double tap कर रही हूँ। Back button. Problem with cancellation fee. Guys, मैंने लेफ्ट से राइट की ओर ही स्वाइप किया है। ये बोल रहा है प्रॉब्लम विद द कैंसिलेशन फीस, मतलब जो कैंसिलेशन फीस आपको चार्ज हुई है आपको उससे प्रॉब्लम है। फिर नीचे डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मैं वापस लेफ्ट से राइट की ओर स्वाइप कर रही हूँ। कैंसिलेशन फीस कॉम्पेंसेट ड्राइवर्स फॉर देयर टाइम, यू कैन कैंसिल अ ट्रिप एट एनी टाइम बट यू मे इनकर अ फी इफ यू कैंसिल आफ्टर अ ड्राइवर एक्सेप्ट्स योर ट्रिप रिक्वेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जब मर्जी हो आप अपनी ट्रिप कैंसिल कर सकते हैं, मगर जो कि ड्राइवर ने अपना टाइम वेस्ट किया है वहाँ पर भी खड़े होके आपका वेट करके, उसको कंपनसेट करने के लिए आपको कैंसिलेशन फीस देनी पड़ेगी। अब मैं वापस लेफ्ट से राइट की ओर स्वाइप कर रही हूँ। यू आर कैंसिलेशन पॉलिसी हियर, इफ यू वुड लाइक योर फी रिव्यूड सेलेक्ट द रीजन बिलो। अब ये बोल रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फीस को हम रिव्यू करें तो इनमें से एक रीजन आप सेलेक्ट कीजिए। Not checked, my driver was taking longer than expected. First up to top. First option का मतलब ये है कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ड्राइवर ने उससे कहीं ज्यादा टाइम ले लिया।
Not checked. My driver didn't move towards my pickup. Second option है कि मेरा driver मेरे pickup point की तरफ आ ही नहीं रहा था, मतलब मैं wait कर रही थी पर वो तो कहीं और ही जा रहा था. Not checked. My driver and I couldn't find each other. थर्ड ऑप्शन है माई ड्राइवर एंड आई कुड नॉट फाइंड ईच अदर, मतलब मैं और मेरा ड्राइवर एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए. नॉट चेक्ड माई ड्राइवर रिफ्यूज्ड माई ट्रिप. नेक्स्ट ऑप्शन है कि मेरा जो ड्राइवर है उसने मना कर दिया कि मैं वहां नहीं लेके जाऊंगा आपको जिस लोकेशन पे आप जाना चाहते हैं, उसने ट्रिप ले जाने से मना कर दिया. नॉट चेक्ड माई पिकअप लोकेशन वॉज इनकरेक्ट. नेक्स्ट है कि मेरी जो पिकअप लोकेशन थी वो गलत थी, मतलब मैंने अपनी पिकअप लोकेशन गलती से कुछ गलत डाल दी थी. नॉट चेक्ड, आई वांटेड अ डिफरेंट कार और ड्राइवर. नेक्स्ट ये है कि मुझे कुछ डिफरेंट कार या व्हीकल चाहिए था और मेरे को ये ड्राइवर नहीं पसंद था या ये ड्राइवर नहीं चाहिए था. अब इनमें से मुझे एक रीजन सेलेक्ट करना है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जैसे मैं डाल देती हूँ मैं और मेरे ड्राइवर एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए. तो ये वाला जो ऑप्शन है मैं इस पे टैप कर रही हूँ कि मैं और मेरे ड्राइवर नहीं मिल पाए. चेक्ड. Not checked other. Next button. और इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं अगर आपका कोई रीजन नहीं है, कोई और ही रीजन है तो आप अदर पे क्लिक करके वहां लिखेंगे और जैसे मेरा रीजन मुझे मिल गया है तो मैं नेक्स्ट पे टैप करूंगी. ठीक है, अब मैं वापस लेफ्ट से राइट की ओर स्वाइप कर रही हूँ. क्लोज बटन. योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड. Your account has been credited, मतलब आपके अकाउंट में आपका पैसा आ चुका है. We appreciate your feedback on your cancelled trip. We've credited you 15 Indian rupees. अब वो बोल रहा है कि double tap to activate. अब वो बोल रहा है कि हम appreciate करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं कि आपने आपको जो cancellation fees गलत charge हुई थी आप वापस आए और आपने feedback action लिया और हमें बताया कि ये गलत था, तो इसके लिए हम आपको thank you बोलते हैं. मैं गाइस वापस लेफ्ट से राइट की ओर स्वाइप कर रही हूँ. नीड हेल्प बटन. अब वो पूछ रहा है क्या इसके अलावा भी आपको कोई हेल्प चाहिए, तो अभी और मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए तो मैं वापस नेक्स्ट स्वाइप कर रही हूँ. ओके बटन. तो अब सब ओके है, इन्होंने 15 रुपीज जो कि मेरे लगे थे वो मेरे अकाउंट में वापस दे दिए. अब जब भी गाइस मैं नेक्स्ट ट्रिप करूँगी ना, किसी भी लोकेशन से कहीं पे भी जितना भी उसका फेयर आएगा उसमें से 15 रुपीस कट जाएंगे. जैसे कि गाइस 35 रुपीस का फेयर आया उसमें से 15 माइनस हो जाएंगे, मतलब अब नेक्स्ट ट्रिप में मुझे सिर्फ 20 रुपीस ही देने पड़ेंगे. तो चलिए गाइस मैं ओके पे टैप कर रही हूँ. तो गाइस जैसे कि मेरे ऊबर अकाउंट में 15 रुपए आ चुके हैं. अब गाइस एक प्रॉब्लम और मेरे को आपको बतानी थी. कहीं बार क्या प्रॉब्लम हो रही है कि लोगों को जो मोटो मतलब जो बाइक और ऑटो जो कि अभी उबर ने नया स्टार्ट किया है वो मिल नहीं पा रहा है, तो गाइस वो भी हम लोग देख लेते हैं कि अगर वो ना मिल पाए तो क्या करना है. मैं बैक जा रही हूँ. बैक बटन. अब गाइस सबसे पहले मैं अपना पिकअप पॉइंट और वो सब डाल देती हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ मोटो और ऑटो कैसे सेलेक्ट करना है आपको. एंटर पिकअप पॉइंट उबर. Showing English QWERTY keyboard. Hey, help. Raj Khurana Memorial Hall. Showing English. 3780. English QWERTY. दोपहर के. Guys, मैंने अपना pickup point और drop point दोनों डाल दिया और फिर मैंने search किया दोनों done करके तो मेरे पास option आ रहे हैं. Selected pool. Pool. Double tap Uber Go. Uber Go. Double tap Premier. Premier. Double tap to activate. अब मुझे चाहिए क्या? मुझे तो चाहिए मोटो. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी टू फिंगर्स से जो मेरी टू फिंगर्स है उसे लेफ्ट से राइट की ओर स्वाइप करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? टू फिंगर्स से लेफ्ट से राइट की ओर स्वाइप करना पड़ेगा और वो भी थोड़ा सा मतलब मिड स्क्रीन के बीच के अंदर, मतलब बहुत ऊपर भी नहीं और बहुत नीचे भी नहीं. मुझे टू फिंगर्स से बीच में स्वाइप करना है. सेलेक्टेड मोटो. तो जैसे कि मुझे मोटो मिल चुका है. Uber Auto. और अब मैंने क्या किया? राइट से लेफ्ट की ओर स्वाइप किया वापस
सिंगल टाइम राइट से लेफ्ट की ओर, तो मुझे ऑटो भी मिल गया है। अब मैं वापस लेफ्ट से राइट की ओर सेलेक्ट करूँगी तो वापस वो ऑटो आई मीन मोटो पे आ जाएगा। अगर गाइज आपको बहुत ही बढ़िया लग्जरियस गाड़ी चाहिए बड़ी बड़ी, तो आप वापस से राइट से लेफ्ट की ओर स्वाइप करेंगे। दोपहर के दो सिलेक्टेड पूल यूबर गो प्रीमियर, ये पूल उबर गो प्रीमियर उससे भी अच्छी गाड़ी चाहिए तो वापस राइट से लेफ्ट की ओर स्वाइप कर दीजिए। दोपहर के दो बज सिलेक्टेड हायर एक्स, डबल टैप टू एक्टिवेट हायर गो हायर डबल टैप। तो गाइस इस तरह से अगर आपको पीछे वाले पेज पे जाना है तो आपको लेफ्ट से राइट की ओर स्वाइप करना पड़ेगा। अच्छी अच्छी गाड़ियां अगर आपको चाहिए तो आपको राइट से लेफ्ट की ओर स्वाइप करना पड़ेगा। तो गाइस यही था मेरा आज का ट्यूटोरियल। आई होप थोड़ा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैंसिलेशन फीस को रिकवर करना है। एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है और मतलब फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट है, आपको नहीं समझ में आ पाया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर अपना फीडबैक दें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट ट्यूटोरियल का टॉपिक आपकी तरफ से कुछ होना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लेके आएंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू।